अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर अगेन एक स्कॉलरशिप के ऊपर है। अब कौन सी ये स्कॉलरशिप है? यह ऑस्ट्रेलिया बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी जो है उसने स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी है इस साल के लिए। और इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़े का प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी डिग्री ये अवार्ड करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स सिडनी की जो है वेबसाइट, जिस पे आपके सामने जो है तमाम के तमाम स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। ज़रा गौर से देखें तो इस टेबल के अंदर जो है वो तमाम स्कॉलरशिप जो कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल हैं। यानी कि जो सबसे पहले स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको RTP कहते हैं, वो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर ऑफर हो रही है और जिसकी आगे वैल्यू भी लिखी हुई है $29,863 per annum। यानी कि हर साल आपको इतना जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप का जो टोटल जो है वो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें ट्यूशन फी भी आप होगी और हेल्थ जो है उसकी सिक्योरिटी भी इस पर कवर होगी। डिस्क्रिप्शन में हम देखें तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि ये जो स्कॉलरशिप है जाहिर बात है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कवर इसको कर रही है। और PhD के लिए जो 3.5 ईयर तक ये आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिल सकती है और MS के लिए जो है ये 2 साल के लिए आपको मिलेगी। सिमिलरली नीचे जो है तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन सेम है। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड जिसको UIPA कहते हैं, और जो थर्ड वन हमारे पास है वो TFS जिसको ट्यूशन फी स्कॉलरशिप भी कहते हैं, उनकी भी सेम अमाउंट है और कहीं पर ट्यूशन फी ऑफ है कहीं पर ऑफ नहीं है। बाकी जो है आगे कितने अरसे के लिए जो है वो आगे टाइम जो है सबका सेम है। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है उसके प्रोसीजर का। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से ये ओपन होगा लाइक दिस वन। ये है UNSW यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स हायर डिग्री रिसर्च जिसको HDR कहते हैं स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। गाइडलाइन में क्या कुछ अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन है, जितनी स्कॉलरशिप मैंने आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस की है इस यूनिवर्सिटी की, इसमें 3 स्कॉलरशिप है। इंट्रोडक्शन अवेलेबल है, स्कॉलरशिप जितनी भी टाइप्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो सेट यहाँ पे होगा। फिर सिलेक्शन कैसे होती है, फिर सिलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन कैसे होगा आपको ऑफर लेटर का, और फिर रिस्पॉन्सेज क्या होंगे अनकंडीशनल ऑफर्स के, फिर आपकी स्कॉलरशिप की जो है स्टार्टअप कब होगा, यहाँ पे तमाम जो है उसके इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो वही आगे हमारे पास कि इसकी स्कॉलरशिप कितनी जो है कौन कौन सी हैं, फिर उनकी जो डिफरेंट टाइप्स है जो अपने पीछे मैंशन की थी वो सारी यहाँ पे दोबारा टाइप्स यहाँ मैंशन है। फिर जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे सारी सारी दी है। फिर ट्यूशन फी जो है उसकी स्कॉलरशिप जो जो ऑफ कर रही है जिस पीछे हमने टेबल पर देखा वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम नीचे मूव करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आप जो डिटेल्स इसको पढ़ सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को जो 8 पेजेस का है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है वो है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको सारा प्रोसीजर समझ आएगा कि कैसे एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो इसमें रन होता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा इस पेज के ऊपर। अब जैसे आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ सारे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये है एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेप। मोस्ट स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेप जो है वो नजर नहीं आता जब हम एप्लीकेशन को फिल करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में क्या है, डिटरमिन योर एलिजिबिलिटी। जस्ट इस ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए वो सारी सारी यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी वाइज जो तमाम लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं एडमिशन के, तो यहाँ पे वो सारी सारी डिटेल आ जाएगी। सिमिलरली जैसे अगर आप यहाँ से देख लेते हैं कि आप एलिजिबल है, सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट कि अगर आप जो है PhD के लिए अप्लाई करें तो आपके पास MS की डिग्री हो, और आप MS के लिए अप्लाई करें तो आपके पास जो है 16 ईयर ऑफ बैचलर प्रोग्राम की डिग्री हो, BS जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे आपने ये कंफर्म कर लिया कि इफ यू आर एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल, फिर आपने नेक्स्ट मूव करना था स्टेप नंबर 2 पे, फाइंड अ सुपरवाइजर एंड प्रिपेयर योर रिसर्च डिस्क्रिप्शंस। यानी कहने का मतलब जो आम स्कॉलरशिप में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जब हम पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे लिए जो है सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है अपने सुपरवाइजर को या वहां से उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर को लेना। तो यहाँ पे वो सारी सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है कि आपने किस तरीके से अपने सुपरवाइजर को फाइंड करना है, और फिर उस सुपरवाइजर को फाइंड करने के बाद किस तरीके से वहां उसके लिए जो आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है, और रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद अगर आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो कैसे फेस टू फेस उसके ऊपर स्काइप पे या ऑनलाइन कैसे उससे आपने मीटिंग करनी है। फर्दर आप फाइंडिंग का सुपरवाइजर को जब क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, कैसे आपने रिसर्च एरिया डिटरमिन करना है, किस तरीके से आपने फैकल्टी के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करना है, फिर सुपरवाइजर कैसे फाइंड करना है, फिर उससे इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करवाना है, फिर लास्ट पे किस तरीके से आपने उससे जो है वो एडमिशन लेटर लेना है। तो यहाँ पे तमाम टाउन डिस्क्रिप्शन उसकी अवेलेबल है, आपने जस्ट यहाँ पे आके उस ड्राफ्ट को क्लिक करना, फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगी।
यहाँ पे स्कूल सारे ओपन हो जाएंगे, जैसे आपने डिटरमिन योर सर्च एरिया देखा, सर्च एरिया के बाद आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आपके सर्च एरिया में डिफरेंट एरियाज, या मेरे हाल में तकरीबन तमाम के तमाम जो है यहाँ पे फैकल्टीज और तमाम तमाम डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज के लिए, तो आप जस्ट इसको क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ साइंसेज जो है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि कितने स्टडी एरियाज हैं और कौन कौन से यहाँ पे जो आपके पास रिसर्च के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट्स रनिंग है इसमें, यहाँ सारे के सारे उनकी डिटेल आ जाएगी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च की, और फिर इम्पैक्ट में जो जो उनके आउटस्टैंडिंग जो है वो उनका इम्पैक्ट है जो है रिसर्च में, वो भी सारा यहाँ पे अवेलेबल है, और फर्दर यहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इस तरीके से जो है आप अपने जो है सुपरवाइजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा वापस आते हैं अपने मेन पेज के ऊपर, जहाँ पे तक हाउ टू अप्लाई में, तो यहाँ पे सुपरवाइजर सेलेक्ट हो गया, उससे आपने लेटर ले लिया, लेटर लेने के बाद आपने क्या करना है, प्रिपेयर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे इस डॉक्यूमेंट कैरो को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिशन गाइडलाइन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी आप न्यू टैब में ओपन करके देख सकते हैं उसमें क्या कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और फिर फर्दर हर एक स्कूल या हर एक फैकल्टी के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन अवेलेबल है। तो जैसे ये PDF यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, इसमें देख लो हमारे पास ये सारे सारी यहाँ पे गाइडलाइन अवेलेबल है कि यानी कि हम आपके पास जो है प्रूफ ऑफ इंग्लिश हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी और लैंग्वेज में नहीं तो आपके पास जो है इसकी जरूरत नहीं है, TOEFL और IELTS आपके पास है तो आपने उसकी जो है वो लेटर साथ अटैच करना होगा, सुपरवाइजर का कॉन्टैक्ट या उसका जो आपके पास जो एडमिशन लेटर वो आपको साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ फंडिंग तो हमारी RDE हमें प्रोवाइड करेगी, तो फिर इसके बाद जो आपकी CV यहाँ पे जो है इन डिटेल CV होनी चाहिए, फिर आपके पास जो है वो एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसपे आप वीज़ा लगाएंगे, फर्दर आपको जब आप इसको सिक्योर कर लेंगे, फिर आपके रेफरेंसेस के या रेफरेंस के नाम होने चाहिए, तो ये सारी सारी डिटेल यहाँ पे इस PDF के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं। फर्दर आप देखें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट को क्लिक कीजिएगा स्टेप नंबर 4 को, तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपके नेटिव लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, यानी कि आपकी डिग्री जो है नेटिव लैंग्वेज, मोस्टली कंट्रीज में ऐसा होता है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट मोस्टली किसमें होते हैं इंग्लिश में है तो हमें इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है मीट दी UNSW इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो तमाम तमाम टेस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे मेंशन की होगी कि आपके पास जो है वो जो तमाम टेस्ट वो आपने क्लियर करना है, फिर आपने आगे मूव करना है, टेस्ट कौन से IELTS और TOEFL की बात की होगी, उसका आपने स्कोर यहाँ पे जो है वो पहले अटेन करना है, वो 6 बैंड है, 7 है, व्हाटएवर जो भी आपके ईच कोर्स के लिए वो डिफरेंट होंगे, ईच सब्जेक्ट के डिफरेंट होंगे, तो पहले आपने वो मीट करना है क्राइटेरिया, फिर आपने जो है इसलिए एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्या, जब आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाएं और इसके अलावा आपके आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो सर्टिफिकेट भी हो, आपका पासपोर्ट भी वैलिड हो, फिर आपने करना है सबमिट एप्लीकेशन। तो सबमिट एप्लीकेशन में तमाम तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो है आपने इस पेज को क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट मूव कर जाएंगे कहाँ पे, इसकी सबमिशन की पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएं, तो ये है इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन का जो है वो ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे आपने साइन अप करना है अपने ईमेल से और साथ पासवर्ड देना है, और पासवर्ड देने के बाद जो है आप डायरेक्टली मूव कर जाएंगे इसके लॉगिन के पेज के ऊपर, लॉगिन के ऊपर आपने जितने डॉक्यूमेंट अभी अब तक हमने डिस्कस किए हैं वो आपने यहाँ पे इस पे अपलोड करने हैं, तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन जो यहाँ पे आके सबमिट होगी। आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन उसके बाद क्या करना है, आपने वेट करना है अपनी एप्लीकेशन का, जैसे आपका ऑनलाइन अकाउंट में आपकी एप्लीकेशन जो सबमिट हो जाए तो आप उसको ट्रैकिंग जो है उसकी कर सकते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आप आएँ और आके चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या जो है वो काम हो रहा है। सिमिलरली इसके बाद जो आपने फिर जो ऑफर लेटर इसको रिस्पॉन्ड करना है कि आपको ये ऑफर लेटर में जो जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है स्कॉलरशिप की, यानी कि कितनी स्कॉलरशिप आपको अवार्ड करनी है, उसमें आपकी हेल्थ कवरिंग है या नहीं है, और उसमें फिर फर्दर जो है आपके पास जो है वो ट्यूशन फी ऑफ है या नहीं, तो आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है उसको, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस और जो है रिजेक्शन उसकी डेडलाइन से पहले पहले होनी चाहिए, और जैसे आपको पता है इसकी डेडलाइन जो है अभी 30 जनवरी 2023 है, यानी कि अभी वो एक महीना इसके लिए पड़ा हुआ है। फिर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया है, यानी जाहिर बात है जब आपने ये काम करें तो आपने वीज़ा लगवाना है, वीज़ा लगवाने के बाद आपने जो है जो जो वीज़ा लगवाने के फौरन बाद जैसे आपकी टिकट बुक हो जाएगी, आपकी अकोमोडेशन वहाँ पे हो जाएगी, तो फिर आपने एयरपोर्ट की तरफ रवाना होना है, और विद आप याद रखिएगा COVID-19 के मेनमेंट को आपने फॉलो करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके तमाम के तमाम इस पेज को जैसे आप विजिट करेंगे तो इसके ऊपर तमाम वो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो अगर मैं नहीं बता सका या इस पेज के ऊपर नहीं अवेलेबल तो यहाँ से जाके आप उन तमाम क्वेश्चंस को उनके आंसर्स को देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे MI या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैंडिडेट, यहाँ उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन कर देगा डोमेस्टिक कैंडिडेट कौन से हैं और इंटरनेशनल कैंडिडेट उसमें कौन कौन से होते हैं, ताकि जो भी इसके क्वेश्चंस आपके होंगे उनके तमाम के तमाम आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, इन तमाम स्टेप्स को जानने के बाद जो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है, और आपको फिर भी कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि इनके आपके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से भी कवर नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे HDR स्कॉलरशिप को जो मैंने सबसे पहले जो है पूरी का पूरा जो है डिटेल डॉक्यूमेंट जो गाइडलाइन शो की थी इसमें तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, इसको डिटेल से पढ़िएगा, और फिर भी कुछ चीज़ रह जाए तो आप जो है इस लेक्चर की जो वीडियो होगी उसके कमेंट सेक्शन में आके आप लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अब इन तमाम चीज़ों के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आप
के और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में सिर्फ एप्लीकेशन को प्रोसीड करने का या अप्लाई करने का अमल ही रह गया है। गुड लक फॉर योर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड गुड लक विद योर एजुकेशन।